आप पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कोटेशन एस्टीमेट्स और टेंडर प्राइस चैप्टर। चाहे आप कोटेशन कहिए, चाहे आप टेंडर प्राइस कहिए, चाहे आप निर्ख कह दिए, निविदा कहिए, बात की बात है। क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ने के बाद क्लास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जब 9th पर पहुँचते हैं तो कहता है द फॉलोइंग पार्टिकुलर आपके सामने प्रीतम ब्रदर्स के से रिलेटेड तमाम सूचनाएं दी गई हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1,50,000, डायरेक्ट वेजेज 1,25,000, फैक्ट्री ओवरहेड 75,000, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, प्रॉफिट। इतना सारा आइटम जो दिया गया भैया, ये हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने के लिए दिया गया है, जैसे पिछले के क्वेश्चन में हम लोग कॉस्ट शीट बनाते थे ना। आगे कहता है जो आपको इस्टीमेट बनाना है, कोटेशन बनाना है, कहता है मटेरियल वहाँ पर लगेगा 4,000 का, वेजेज लगेगा 25,000 का, और उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड 20% लगेगा, ठीक है, और सेलिंग ओवरहेड 12.5% लगेगा। ये सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, एकदम आराम से, एकदम शालीनता का परिचय करते हुए, शालीनता से आप सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर एक यूनिट का नहीं पूछा है तो इसलिए यहाँ पर बनेगा स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पर लिखिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में प्यारा सा कॉलम बना लीजिएंगे। जब आप कॉलम बना लेंगे तो आपको ध्यान देना है सबसे पहले क्या लिखा जाता है, मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम्ड दिया है 1,50,000, मटेरियल कंज्यूम्ड 1,50,000, डायरेक्ट वेजेज 1,25,000, मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट वेजेज। मान लीजिए किसी किसी क्वेश्चन में कभी मिल जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा आपका प्राइम कॉस्ट, कितना आ जाएगा 2,75,000। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते हैं, क्या लिख देते हैं प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड कितने का दिया है बच्चा 75,000, तो आपका कितना आ जाएगा 3,50,000, 3,50,000। एको का बोलेंगे वर्क कॉस्ट। फिर उसके बाद लिखेंगे ऑफिस से रिलेटेड ना, ऑफिस से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव 84,000, कितना आ जाएगा ऐड करो 4,34,000। एको का बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है सेलिंग, देखा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेलिंग, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना दिया बच्चा, सेलिंग ओवरहेड 56,000,
डिस्ट्रीब्यूशन कितने का दिया है? 35,000। कितना आ जाएगा? इसको ऐड कर लो, 5,00,000, 25,000 ना, यही तो आएगा। अब क्या करोगे? उसके बाद आपको ध्यान देना है, फ़ायदा निकाल करके दिया है ऑटोमेटिक, समझ में आया भाई? ये आपका क्या हो गया, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिख लो। प्रॉफिट 1,05,000, ऐड कर दिया जाएगा 6,30,000, एक को बोलेंगे सेल्स। इतने में किसी भी स्टूडेंट को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है, अपने से ज़्यादा आपके ऊपर विश्वास करता हूँ। यहाँ तक मैं अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए अपनी प्रक्रिया को आखिरी अंजाम तक पहुँचाऊँगा, लेकिन उसके पहले आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। आपको ध्यान देना है, इतना आप सॉल्व कर दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, देखो, जैसे आपको टेंडर बनाना है, कोटेशन प्राइस निकालना है, एस्टीमेटेड प्राइस निकालना है, तो बोल रहा है मटेरियल है 4,000 का, बेजेज है 2,500 का, ठीक है। लेकिन अब ये तो फैक्ट्री के लिए तो कुछ बताया नहीं, ऑफिस के लिए कुछ बताया नहीं, सेलिंग के लिए कुछ बताया नहीं, तो इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, इसके लिए बच्चा आपको परसेंटेज निकालना पड़ता है। समझ में आया कि भाई, मैंने पीछे भी बताया है, जो फैक्ट्री ओवरहेड है किस पर निकालते हैं? मजदूरी पर। ऑफिस को कितना निकालते हैं? वर्क कॉस्ट पर, ठीक है। और सेलिंग को भी वर्क कॉस्ट पे निकाला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन को भी वर्क कॉस्ट पे निकाला जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, बोला है इसमें नीचे, फैक्ट्री ओवर हेड इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेज, रिमेन जितने भी ओवरहेड हैं, रिमेन मतलब बचे हुए ओवरहेड जितने भी हैं, 1, 2, 3 सबको वर्क कॉस्ट पे निकालना है, बोला है देखो क्वेश्चन में नीचे। तो सबसे पहला होगा वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट मतलब बिना निकाले सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे। पहला लिखिएगा, हिंदी में बोलेंगे कारखाना उपरिव्यय का मजदूरी पर प्रतिशत, इंग्लिश में बोलेंगे रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड टू डायरेक्ट वेजेज, ऐसे लिखिए, रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड टू डायरेक्ट वेजेज। हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कारखाना उपरी व्यय का मजदूरी पर प्रतिशत। फॉर्मूला होता है का बटे पर, का बटे पर मतलब कि फैक्ट्री ओवरहेड कितना है बच्चा, यहाँ पर 75,000 ना, किस पर निकाला जाता है, मजदूरी कितने की है, 1,25,000। गुड़े सो, समझ में आया कि नहीं, आना चाहिए। का कारखाना उपरिव्यय का 75,000 किस पर निकाला जाता है, मजदूरी पर, नीचे रहेगा गुड़े सौ, निकाल लो। मतलब कि जितना मजदूरी लगी है ओके 60% भैया फैक्ट्री ओवरहेड में खर्चा हुआ है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा लिखो बच्चा, ओवरहेड टू फैक्ट्री कॉस्ट, रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड टू फैक्ट्री कॉस्ट। हिंदी में लिखेंगे कार्यालय, सॉरी हाँ, कार्यालय उपरिव्यय किस पर निकाला जाएगा, वर्क कॉस्ट, मतलब कि हिंदी में लिखो कार्यालय
उपरिव्यय का किस पर? कारखाना, कारखाना लागत पर प्रतिशत। देखो भैया ये जो वर्क कॉस्ट है, एक का बोला था इनका कारखाना लागत बोलते हैं, एक बोलते हैं कारखाना उपरिव्यय। समझ में आया? तो आपको ध्यान देना है, बहुत सारे बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है जो फैक्ट्री अकेले में खर्चा हुआ, वर्क कॉस्ट का मतलब होता है जो फैक्ट्री तक का खर्चा हुआ पूरा मिला करके। तो आपको क्या करना है, ऑफिस किसके अनुपात में है इसको निकालना है। 84,000 भागे वर्क कॉस्ट के अनुपात में, परसेंट निकाल लो बच्चा, 24%। ठीक है, उसके बाद भाई आगे चलते हैं हम भी। रेट ऑफ सेलिंग किसको निकालना है इसको भी फैक्ट्री पर। रेट ऑफ सेलिंग ओवरहेड टू किस पर निकालेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब कि विक्रय उपरिव्यय का कारखाना लागत पर। विक्रय उपरिव्यय का कारखाना लागत पर विक्रय उपरिव्यय कितना है? 56,000 है। कारखाना लागत कितना है? 350,000। निकाल लो बच्चा। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी, रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टू। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड किस पर निकाला जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट पर ही निकाला जाएगा, लिखा जाएगा वितरण उपरिव्यय का किस पर? कारखाना लागत पर। परसेंटेज वितरण उपरिव्यय कितना है? 35,000। साढ़े 3,00,000, मतलब कि फैक्ट्री का 10%। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। जो नियम है एकदम सुंदर अक्षरों में लिख दिया है मैंने, साफ साफ लिख दिया है। अगर जो क्वेश्चन में कहा गया है ये सारी चीज़ें आपको याद भी होनी चाहिए। समझ में आया? मान लीजिए कहीं नहीं दिया रहेगा तो समझ में आया, बट लिख लो। अब क्या करेंगे हम, अब हम टेंडर जब निकालेंगे, भाई हमारी बातों को समझिएगा, जब हम टेंडर प्राइस निकालेंगे जिसको कोटेशन प्राइस कहते हैं, इस्टीमेटेड प्राइस कहते हैं, तब केवल मटेरियल दिया है, वेजेज दिया है, और कारखाना के लिए मजदूरी का 60% निकाल लेंगे, ऑफिस के लिए कारखाना का 24% निकाल लेंगे, सेलिंग के लिए कारखाना का, यार तुम लोग यहाँ नहीं बताए हो, 16% ना, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कारखाना का 10%। सिंपल क्वेश्चन, आगे चलते हैं, हमें इसे हटाना पड़ेगा, सबको समाप्त कर देते हैं। इसको आपको अपनी कॉपी में लिखे रहेंगे तो हम समझाते चलेंगे। आपको अपनी कॉपी में आगे लिखना है स्टेटमेंट ऑफ टेंडर प्राइस, बोल दीजिए कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस बोल दीजिए। स्टेटमेंट ऑफ टेंडर प्राइस, कोटेशन प्राइस, जो लिखने की इच्छा हो लिख लेना। जब आप आगे चलेंगे
ठीक है। जब आप आगे चलेंगे तो देखो भाई, जब कोटेशन जिसका बनाना है, मटेरियल दिया है 4000, वेजेज दिया 2500, मटेरियल दिया है 4000, ठीक है बच्चा, यहाँ लिख दो 4000 सीधा सीधा, क्या दिक्कत करना है, कुछ नहीं। वेजेज लिखना है 2500, 6500 प्राइम कॉस्ट, मटेरियल में वेजेज जोड़ दो, क्या निकल के आ जाएगा भाई, प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए भी पीछे परसेंट निकाला गया ना, परसेंट निकाला गया, मजदूरी का क्या परसेंट, 60%, ध्यान देना है, इसी का क्या परसेंट पीछे निकाला गया, 60%, ऐसे निकाल दे रहे हैं साफ साफ, और मैंने बताया है पीछे परसेंट निकाला था, यहाँ पर मैंने बोल दिया था जितना मजदूरी लगी है भैया ओके 60% का लगेगा फैक्ट्री खर्चा, कह रहे हैं 20% बढ़ जाएगा, 20% क्वेश्चन में देखो अप टू बोला है, 20% 1500 20% हुई है कितना, 1800। दिमाग का ताला खोल के चाबी रख लेना, मजदूरी का कै परसेंट पीछे निकाला गया परसेंट, 60, 20% बढ़ाना है, 60% निकाला 1500, 20% इसी 1500 का कितना आ जाएगा, 1800। अब हमसे मत पूछना कि कहाँ से आया, क्योंकि मैंने दो बार समझा दिया, वर्क कॉस्ट कितना हो गया, 7600 वर्क कॉस्ट आ गया ना। अब बच्चा क्या बोला गया है आगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वर्क कॉस्ट का क्या परसेंट बताएं भैया, निकाला गया परसेंट 24 निकाल बच्चा, 83000 का 8300 का 24%, 1992 एक का बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, याद रखना हमारी बात को, 1992, वेरी गुड। सेलिंग ओवरहेड आइए, क्या परसेंट वर्क कॉस्ट का क्या परसेंट निकाला गया था, सेलिंग ओवरहेड में परसेंट जो निकाला गया था अभी तीसरे नंबर पे, 16%, वेरी गुड 16%, तो किसका वर्क कॉस्ट का ना, 8300 का 16/100 कितना आएगा, निकालो 16/100। और क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में कहता है कि सेलिंग ओवरहेड बाई 12.5%, डिस्ट्रीब्यूशन डाउन 10%, ध्यान देना है सेलिंग ओवरहेड में क्या बोल रहा है, फिर से देखो सेलिंग ओवरहेड क्या परसेंट निकाल लिया, 16% निकाल लेंगे, 12.5% रेट क्या करना है इसमें, डाउन करना है, डाउन करो, ध्यान देना है भैया 8300 16%, 1328 यही 12.5% कह रहे हैं बढ़ गया, मतलब सेलिंग में बढ़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन में घटेगा, कितना 166, दोनों को जोड़ो कितना आएगा 1494, एक का जोड़ लो 8300 प्लस 1992, उसके बाद सेलिंग हो गया 10292, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना परसेंट निकाला गया था, 10% ना, 830 आएगा, डिक्रीज करना है क्या परसेंट इसमें, 10%, 83 माइनस कर दो, जोड़ लो इतना सब,
कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं आप, समझिएगा हमारी बातों को। मटेरियल बोला गया है, वेजेज बोला गया है, फैक्ट्री ओवरहेड मजदूरी का क्या परसेंट, क्या 60%, बढ़ेगा क्या परसेंट 20%, जोड़ लो वर्क कॉस्ट आ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव 24% निकाल दो वर्क कॉस्ट का। सेलिंग 16% निकाल दो, एम है बढ़ रहा है 12.5%। डिस्ट्रीब्यूशन 10% निकाल लो, एम है 10% घट रहा है, और क्या करना है यार। बिक्री के लिए बोला था लाभ, लाभ 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 प्रॉफिट 15% ऑन सेल्स, समझ में आया? तो आपको लिखना प्रॉफिट का फॉर्मूला। सेलिंग पर बोला हो तो क्या होता है, 12,000 लागत 533, क्या परसेंट भैया 15, 100 में से वही 15 माइनस करके कितना लिख दिया जाएगा 85। सेलिंग पर बोला होता है तो कितना आएगा 2212 राउंड ऑफ, टोटल आ जाएगा 14,745। एक का बोलेंगे, चाहे सेलिंग प्राइस लिख लो चाहे टेंडर प्राइस लिख दो, उत्तर आपका आ गया। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, आगे के क्रम को बढ़ाते हुए क्लास के क्रम को आपको आगे की वीडियो में बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10th। आप पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस, जिसे आप कैलकुलेशन ऑफ एस्टीमेटेड प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ कोटेशन प्राइस कह सकते हैं। कहा गया है 10th नंबर क्वेश्चन में, द अकाउंट ऑफ अ फैक्ट्री शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कहता है मटेरियल यूज किया इन्होंने 150,000 रुपए का, प्रोडक्टिव वेजेज 120,000 रुपए का, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस 24,000, एस्टेब्लिशमेंट एंड जर्नल एक्सपेंसेस 17,640, कैलकुलेट फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड टू द प्रोडक्टिव वेजेज, परसेंटेज टू एस्टेब्लिशमेंट एंड जर्नल एक्सपेंसेस फैक्ट्री कॉस्ट, व्हाट प्राइस शुड द कंपनी क्वेट टू मैन्युफैक्चर अ मशीन व्हिच इज एस्टिमेटेड विल रिक्वायर एक्सपेंडिचर 1,150 रुपये का मटेरियल, 750 रुपये का वेजेज। फायदा लेना है, प्रॉफिट लेना है, कॉस्ट पर 25%, सेलिंग प्राइस पर 20%। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। आप अपनी कॉपी में सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट शीट लिखेंगे, कॉस्ट शीट लिखेंगे। ऐसे कॉलम बना लो। अब आती है बात, कॉस्ट शीट में मटेरियल यूज प्रोडक्टिव वेजेज को जोड़ लो, मटेरियल यूज दिया है 150,000, प्रोडक्टिव वेजेज दिया है 120,000 रुपया, ऐड कर लिया जाएगा 270,000, इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड आता है, कितना दिया है
कितना आ जाएगा, 2,00,000, 94,000। इसको बोलेंगे वर्क कॉस्ट। उसके बाद आता है ऑफिस में एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, 17,640। जोड़ लो, ये आपका आ जाएगा बच्चा टोटल कॉस्ट 3,11,640। समझ में आया? ना समझ में आया हो तो मत समझिए, क्योंकि इसके पहले आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। मटेरियल में वेजेज जोड़ दो, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री जोड़ दो, ऐड कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, ऑफिस ऐड कर दो, टोटल कॉस्ट। अब बात आती है परसेंटेज निकालने की, तो परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? परसेंटेज के लिए कहा है परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन प्रोडक्टिव वेजेज, परसेंटेज प्रोडक्टिव वेजेस, ठीक है। परसेंटेज निकाल लो भाई, किस पर निकाला जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड का, मजदूरी पर। क्या परसेंट आएगा? मतलब कि जो फैक्ट्री में पैसा लगा है, खर्चा लगा है, ओवरहेड में खर्च हुआ है, मजदूरी का क्या परसेंट है? 20% है। दूसरा आपको लिखना है परसेंटेज ऑफ ऑफिस एंड जर्नल ओवरहेड, किस पर निकाला जाता है? वर्क कॉस्ट पे, 17,640, वर्क कॉस्ट 2,94,000, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, आप कितना आ जाएगा? 6%। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बहुत आसान है भाई, दिक्कत काहे को। अब बात आती है आगे की, क्या निकालना है? टेंडर प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन में बोला भी है 1250 का मटेरियल लगेगा, 750 रुपए का वेजेस लगेगा, प्राइम कॉस्ट। उसके बाद आपको लिखना है फैक्ट्री ओवरहेड, ये परसेंट काहे का काम आएगा? यही पद यूज करने के काम आएगा, मजदूरी का क्या परसेंट निकाला गया? 20%। ना तो घटोत्तरी हुई है ना तो बढ़ोत्तरी हुई है, 750 का 20% ना, इक्कीस सौ पचास। इसको बोलेंगे वर्क कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड 6%, वर्क कॉस्ट 2150 का 6%, 129,
आपका आ जाएगा कितना, 22 79 22 79 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग से रिलेटेड कोई पैसा तो दिया नहीं है, इसे ही टोटल कॉस्ट मान लिया जाएगा। समझ में आया? फायदे की बात होती है तो 15% बोल रहे हैं, नहीं 20% बोल रहे हैं। का लागत पर निकालना है तो 25% निकालो, और अगर सेलिंग प्राइस वाला सूत्र यूज करना है तो 20% निकालो, 20% लगाओ। सेलिंग प्राइस वाला सूत्र लगाएंगे तो 2279 यहां हो जाएगा 80, 100 में से वही 20 माइनस कर दिया जाता है सेलिंग प्राइस वाला, यहां आपका क्या होगा परसेंटेज में 20, और लागत में निकालना है 25/100 कर दो, आएगा 570, कितना हो जाएगा 2849 टेंडर प्राइस 2849। इसको आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। नमस्कार, आप पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग चैप्टर। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग चैप्टर में आपको मैं बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने का काम करेंगे, अच्छे से समझने का काम करेंगे। आपको क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग इज द समराइज्ड रिकॉर्ड March 31st, 2009 ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट नंबर 75 विच वाज कमेंस्ड ऑन 1st April 2008 एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग ईयर। यह जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत है कि कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है। कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का मतलब होता है जो एक साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट दो प्रकार के होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मेरे भाइयों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कंप्लीटेड, कंप्लीटेड का मतलब होता है जो एक साल के अंदर कंप्लीट हो जाए, और एक होता है इनकम्प्लीटेड, जो दो साल में कंप्लीट हो, तीन साल में, मतलब एक साल से ज्यादा जिस पर समय खर्चा करना पड़ता है उसे बोलते हैं इनकम्प्लीटेड। पूर्ण ठेका और अपूर्ण ठेका। और मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी बता देना चाहता हूं, जैसे हमें घर बनवाना है, एक दो कमरा बनवाना है, एक आध महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। 10 कमरा बनवाना है तब भी कंप्लीट हो जाएगा। आप देखते होंगे पुल बनते होंगे, हमारे गांव की तरफ एक रेलवे का पुल बन रहा है, 3 साल हो गया है, 3 साल हो गया अभी भैया कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट आधो नहीं हुआ है अभी, तो उसे वहां पर जो अकाउंट बनेगा वहां पर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है, उसे इनकम्प्लीट कहते हैं, अपूर्ण ठेका कहते हैं। समझ रहे हो? सड़कें बनती होंगी, ओवर ब्रिज बनते होंगे, अंडरपास बनता होगा, आप देखते होंगे, उसे इनकम्प्लीट में डाला जाता है जो एक साल से ज्यादा होता है। कहता है मेटीरियल परचेज डायरेक्टली 1,27,000, मेटीरियल सप्लाइड फ्रॉम स्टोर 52,000, वेजेज 2,14,400, एक्सपेंसेस डायरेक्टली चार्जेबल 29,400, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 5,800, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5,50,000। उसके बाद दिया है वर्क ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड, कोई बात नहीं है, आपको प्रिपेयर करना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, शो करना है प्रॉफिट लॉस। शानदार तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इतना शानदार तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस बात का मैं दावा करता हूं। आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले ऐसे लिखना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ऐसे प्यारा सा छोटा सा कॉलम बनाने का कार्य करेंगे आप, प्यारा सा छोटा सा यदि आप कॉलम बनाने का काम करेंगे तो आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में क्या लिखा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखा जाता है। मैं बोल रहा हूं आप सुन लीजिए, आप समझ लीजिए,
दावा करता हूं आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में मटेरियल यदि आता है उसको लिखते हैं, सभी खर्चों को लिखते हैं पहली बार, जिससे मटेरियल मिल जाएगा आपको, वेजेज मिल जाएगा आपको, जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से, कभी कभी होता है दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से आता भी है, भाई ठेका चलता रहता है, देखो रेलवे लाइन बनाने का काम चल रहा है हमारी तरफ, देखो आपकी तरफ भी पुल बन रहा होगा, रास्ते में कई पुल बन रहे होंगे, बहुत जगह जेसीबी लगी हुई है, बहुत जगह उसमें और जनरेटर लगे हुए हैं, बड़े बड़े औजार लगे हुए हैं, दूसरे तरफ से फला पुल पे काम चल रहा है, तो मान लीजिए कुछ कम पड़ जाता है तो हमारे गांव वाले पुल पे आ जाता है, अगले पुल वाले पे कम पड़ रहा है तो हमारे गांव वाले पुल से चला जाता है, मतलब हमारे गांव के बगल में ही बन रहा है, तो एग्जाम्पल बता रहे हैं। अभी हम परसों जा रहे थे साइकिल से जा रहे थे, उस दिन लड़के मुंशी जी कहाँ है, कहे मुंशी जी ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर होने का मतलब हमने कहा आप नहीं मिलेंगे का, मतलब हमारे व्यवहार ही का थोड़ा से आते जाते व्यवहार बन गया हमारा उनका, तो कहें ट्रांसफर हो गया भैया 10 दिन के लिए दूसरे ठेके पे गए, अंतु के पास वाले ठेके पे गए, साइड पैसे बोलते हो साइड पे गए, तो हम कई दिन बाद आएंगे, उन्होंने कहा 10 दिन बाद आएंगे, इसका मतलब मुंशी की कमी पड़ी, मुंशी को उठा करके वहां रख दिया गया, दो मुंशी रहते हैं, एक को ट्रांसफर हुआ कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा यहाँ पर कोई काम तो है नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, जहां जहां से मेटेरियल आएगा, वेजेज, जो भी खर्चे होंगे डेबिट में, प्रॉफिट होगा डेबिट में, समझ रहे हैं, अगर यहां से चला गया इस कॉन्ट्रैक्ट से कहीं पर चला गया तो क्रेडिट में, लॉस हो गया तो क्रेडिट में, ना बच गया तो क्रेडिट में, यही होता है पूरा फंडा, मैंने बता दिया है। अब आपको क्या करना है, आपके सामने क्वेश्चन कहता है मेटेरियल परचेज डायरेक्टली, मेटेरियल परचेज करके डायरेक्ट ठेके पर लाया जा रहा है, लिखा जाएगा टू मेटेरियल टू डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट मेटेरियल ₹1,27,000 का ठेके पर लाया गया, मेटेरियल आया डेबिट में, स्टोर से भी ला रहे हैं ₹52,000 का मेटेरियल, ट्रांसफर फ्रॉम स्टोर, स्टोर से ला रहे हैं ₹52,000 का, उसके बाद वेजेज ₹214,400 का, कह रहे हैं एक्सपेंसेस यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे ₹29,400 का, मेटेरियल रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न का मतलब यहां से मेटेरियल जब आया स्टोर से आया तो डेबिट में, स्टोर को वापस कर दिया जा रहा है, जा रहा है तो क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय मेटेरियल टू स्टोर, कितना आगे कहता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ₹550,000, कौन देगा, कॉन्ट्रैक्ट ही देगा, कितना देगा, ठेका है ₹550,000 का, ब्रेकेट में लिख लो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। उसके बाद कहता है वर्क ओवरहेड,
20% ऑफ डायरेक्ट वेजेज, ध्यान दीजिएगा वर्क ओवरहेड के लिए कह रहा है 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेस 2,14,400 का 20% कितना होगा 42,880। हमारी बातों को समझिएगा, हमारी बातों को गौर कीजिएगा, इसी वेजेस का 20% कह रहा है। अगला कहता है 10% ऑफ प्राइम कॉस्ट, पीसी प्राइम कॉस्ट, ऑफिस के लिए कहता है ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ प्राइम कॉस्ट, लिखना पड़ेगा आपको 2 प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कैसे निकलता है? प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सबको जोड़ लेते हैं प्राइम कॉस्ट आ जाता है। जोड़ो भैया 1,27,052,000, 2,14,400, 29,400, सबको जोड़िए, चारों को जोड़िए, ध्यान देना बच्चा प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगा, हल्के में मत लेना है, क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछता है तो अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है भाई। प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो स्टूडेंट पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पढ़ लेंगे, पहले वो वाला चैप्टर नहीं पढ़े होंगे यूनिट, इसीलिए पहले यूनिट वाला चैप्टर पढ़ा जाता है, याद रखना पहले सबसे पहले यूनिट वाला चैप्टर पढ़ा देते हैं हम। डायरेक्ट मटेरियल ये भी मटेरियल में भी आएगा, भले स्टोर से लाया गया है, वेजेज आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सबको जोड़ लेते हैं भाई। ये मटेरियल कहाँ, ये हिस्सा कहाँ का, मटेरियल का हिस्सा है ना, इसी में से तो माइनस होगा, वापस किया गया, तो इन सबको ऐड कर लेना है, इसको जोड़ ले, इसको माइनस कर लेना है, लिख लेना है 4,00,000 कितना हो जाएगा 41,700 ना, बहुत सही। और आपको क्या करना है आगे, ऐड कर लीजिए 5,55,800, क्रेडिट में 5,55,800, डेबिट में 5,55,800, माइनस कर लीजिए 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फायदा आएगा डेबिट में, उत्तर आ रहा है 48,420, मिला लीजिएगा, क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाएगा। जब आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है, पहला मतलब सातवां नंबर भले था लेकिन एज अ पहला नंबर क्वेश्चन ही इसको आपको मानना है, सभी खर्चों को डेबिट करना है, कर दिया मैंने, जो बच गया जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है क्रेडिट में रहेगा, बचा तो है नहीं कुछ, जो वापस हो गया क्रेडिट में रहेगा। और आपको एक बात और याद रखना है, जब इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं लिखा जाता है, अभी इनकम्प्लीट मतलब जब काम अधूरा होगा, अधूरा कब होगा, जब जिस काम जिस ठेके में एक साल से ज़्यादा समय लगता है उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। ये पहला क्वेश्चन एज अ 17 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। आगे हम आपको बताने का काम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, इससे पहले अपनी कॉपी में आप पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट चैप्टर, आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान देना है समझना है। कहता है द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स
रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट नंबर 555, 555 नंबर कॉन्ट्रैक्ट है। कहता है फॉर द एंडिंग 31 मार्च, मटेरियल परचेज किया इन्होंने, मटेरियल यूज फ्रॉम स्टोर, वेजेज, इलेक्ट्रिक सर्विस एंड फिटिंग, रोड मेकिंग चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्लूडिंग रोड मेकिंग एंड अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, स्मॉल प्लांट यूज किया इन्होंने, उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, वैल्यू ऑफ बिग प्लांट, पीरियड ऑफ अ प्लांट रिमेन्स टाइट 9 मंथ, कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन, वैल्यू ऑफ मटेरियल ऑन हैंड, कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटली कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर, डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बहुत शानदार क्वेश्चन, आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, ध्यान दीजिएगा बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 555 अकाउंट आपको लिखना है अपनी कॉपी में, आपको ये अपनी कॉपी में लिखना है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसा नंबर है 555, छोड़ो लिखना चाहिए ना, लिख लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट नंबर बोला है 555, लिख दो ऐसे नंबर लिखना हो तो। ऐसे लिख लीजिएगा, देखो भाइयों आपको देखना है क्वेश्चन में, देखो एक एक करके पढ़ते चलो और यहाँ पर हम उसको रखते चलते हैं, सॉल्व करते चलते हैं। जैसे कहा है मटेरियल परचेज 20,000 रुपए का, तो मटेरियल इन्होंने परचेज किया है 20,000 रुपए का, मैंने बताया सभी एक्सपेंसेस को डेबिट में लिख देना है आपको, मटेरियल यूज फ्रॉम स्टोर, कितना है 10,000, वेजेज 30,000, इलेक्ट्रिक सर्विस इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस 1,500, उसके बाद रोड मेकिंग 7,000 रुपया रोड बनाया गया है, उसके बाद इनडायरेक्ट भी दिया होगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहां लिखेंगे 90,000 रुपए का, यहां लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के लिए ऐसे लिखा जाएगा बाई कॉन्ट्रैक्टी, उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है 1,000 रुपए का, स्मॉल प्लांट इन्होंने यूज किया हुआ है और वो साइट पे है, आप देखिएगा एट साइट, मतलब जो प्लांट बच गया है प्लांट एट साइट क्रेडिट में रहता है, ₹2,500 का। उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्ट कास्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जैसे आपने ठेका लिया, किसी और को ठेका दे दिया, उसे बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट। ₹3,000,
उसके बाद इन्होंने लिखा है वैल्यू ऑफ बिग प्लांट, बड़ा प्लांट इन्होंने लगाया 12,000 रुपए का, इन्होंने प्लांट लगाया है। कह रहा है कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन, मतलब एक्स्ट्रा काम हुआ है काम को पूरा करने के लिए, कितने रुपए का है। कह रहे हैं वैल्यू ऑफ मटेरियल इन हैंड 2500 रुपए का, सॉरी ये प्लांट एट साइट हमें निकालना पड़ेगा, यहां पर आप लिखिए मटेरियल एट साइट है 2500 रुपया है। हमारी बातों को समझिएगा थोड़ी देर के लिए, अभी प्लांट एट साइट कितना मिला था पीछे 2500 भी था तो उसको नहीं लिखना है आपको, प्लांट कितने का लगाया इन्होंने, जो इन्होंने प्लांट लगाया 2500 का उसको यहां लिखो। प्लांट आपको पता होना चाहिए, सभी खर्चों को डेबिट में लिखते हैं, सभी एक्सपेंसेस को डेबिट में लिख दिया गया एकदम सीरियल से। जो बचा है जैसे सामान बच गया, मटेरियल बच गया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टी, ठेका संख्या, ठेका नंबर, ठेका कितने मिला है 90,000 रुपया ठेकादाता देगा। अब इसमें एक चीज निकालना पड़ेगा आपको, अपनी कॉपी में लिखना है कैलकुलेशन ऑफ प्लांट एट साइट, समझ रहे बच्चा, कैलकुलेशन ऑफ प्लांट एट साइट। प्लांट इन्होंने लगाया है 12,000 रुपए का, प्लांट इन्होंने लगाया है 12,000 रुपए का, ठीक है। प्लांट कितने का लगाया, 12,000 रुपए की कॉस्ट है प्लांट की। कई महीना यूज किया क्वेश्चन में, देखो बच्चा 9 महीना ना, 9 महीना 10% हराफ लगाइए, 12,000 × 10 / 100 × 9 / 12 निकाल लीजिए, 12,000 × 10 / 100 × 9 / 12 आएगा आपका, कितना समझ रहे हो, 12 × 1200 / 9 × 900 11,100 रुपया प्लांट एट साइट आ जाएगा, समझ रहे हो नहीं, बाय प्लांट एट साइट 11,200। अरे जो प्लांट भी लिखा गया यूज किया गया है, ये प्लांट की कॉस्ट है, बड़ा प्लांट लगाया गया है इसको ध्यान देना है, प्लांट एट साइट उसी 12,000 का निकलेगा, लिख लीजिए जोड़ लीजिए 11,100 90,000 / 2500 1,03,600 टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,100 फायदा आपका आएगा 16,100। ये आपका एक क्वेश्चन और समाप्त हो गया, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, पहले इसको आप अपनी कॉपी में छाप लीजिएगा, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पार्टिकुलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन कंप्लीटेड 31 मार्च, वेजेज 4,000, मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम स्टोर 1,000, मटेरियल परचेज 16,000, वर्क ओवरहेड 2,000,
प्लांट 20,000, ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ वर्क ओवरहेड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 1,000, डिप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% प्लांट पर, प्लांट कॉस्टिंग 5,000 रुपया, सोल्ड कर दिया 5,200 रुपये का, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 60,000 रुपया। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग ढंग से पूछा गया है, भले आपको लग रहा होगा कि एक तरह से बढ़ रहा है, पहले इस सत्रवें में अलग था, अठवें में अलग था और नौवें में अलग नियम मिल गया, हमें नियम का मिल गया नया। जैसे आपको सातवें में जैसे प्लांट एट साइट नहीं निकालना था, क्या निकालना था, 20% ऑफ वेजेज वर्क कॉस्ट के लिए प्राइम कॉस्ट निकालना था। आठ नंबर में आपको मिल गया था 9 महीने का डिप्रिसिएशन निकालना है, क्या निकालना है, प्लांट इन हैंड निकालना है, प्लांट जो बचा है प्लांट एट साइट निकालना है। तो इसमें क्या पूछ लिया गया, यहू में है कुछ अलग, डिप्रिसिएशन के अलावा नया क्या पूछा, 5,000 का मटेरियल कितने में बेच दिया, प्लांट 5,200 में बेच दिया। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, लिखना है। सबसे पहले कहा दिया भैया, सबसे पहले इन्होंने बेजेस दिया, लेकिन लेकिन सबसे पहले मटेरियल लिखा जाता है नियम के आधार पे, मटेरियल परचेज किया है 16,000 का। आप अपनी कॉपी में लिखेंगे टू मटेरियल, क्या लिखेंगे, टू मटेरियल परचेज 16,000 रुपये का, टू मटेरियल फ्रॉम स्टोर 1,000 रुपये का। उसके बाद आपको ध्यान देना है वेजेज लिख दो 4,000 का, भेजे लिख दो। अब बच्चा कहां है, वर्क ओवरहेड 2,000 रुपये का, टू वर्क ओवरहेड 2,000 रुपये का वर्क ओवरहेड आप लिख देंगे। उसके बाद कहा गया है, ठीक है, उसके बाद कहता है ऑफिस ओवरहेड, सॉरी प्लांट इन्होंने कितने का लगाया है, प्लांट कितने का लगाया है, ये देखो प्लांट पर क्या निकालना पड़ेगा बाद में भी, डिप्रिसिएशन, प्लांट है संपत्ति 20,000 रुपये का। उसके बाद क्या दिया गया बच्चा, ऑफिस ओवरहेड 20% ऑन वर्क कॉस्ट, ध्यान दीजिएगा, टू ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट किसको बोलते हैं, वर्क कॉस्ट के अंतर्गत मटेरियल ऐड किया जाता है, लेबर ऐड किया जाता है और वर्क ओवरहेड इसको जोड़ो, 23,000 रुपये का, सॉरी हाँ ऑफिस ओवरहेड वर्क ओवरहेड का 20% पूछ रहा है, मैंने ऑफिस लिख दिया, ऑफिस ओवरहेड वर्क ओवरहेड का पूछ रहा है, तो वर्क ओवरहेड हमारा है 2,000 का 20%। अभी गलती हो जाती, ऐसे ये लोग बैठे रहते हैं हमें बताते भी नहीं है, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान दिया करो, नहीं तो ऐसे हो जाएगा फिर। अगला आपको ध्यान देना है, आगे चलिए, कहता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, जिसका बोलेंगे मटेरियल एट साइट जो बच गया, जो क्लोजिंग हो गया, बाई मटेरियल एट साइट 1,000 का,
उसके बाद भैया इन्होंने कहा ये प्लांट 5000 रुपए का था, 5200 में बेच दिया। ये नया टॉपिक जो मिला, बाई प्लांट सोल्ड, कितने का बेचा? 5200 का। समझना है, कॉस्ट लगी थी इसमें, प्लांट में कितना पैसा लगा था? 5000 का। कितना फायदा हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस, सेल ऑन प्लांट का फायदा कितना हुआ? 200। ये नया चीज है, ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बेचेंगे जितने में उतने में यहां जो फायदा होगा डेबिट में, अगर घाटा होता तो घाटा होता तो जितने में बेचते हैं यहां घाटा होता तो यही घाटा लिखा जाता। याद रखना ये सब सारी चीजें धीरे धीरे मस्तिष्क से उतर जाती हैं। और आपको ध्यान देना है भाई, भैया लोग आपको ध्यान देना है, भैया लोग आपको क्या ध्यान देना है, प्लांट पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%, 10% पर एनम बाई निकाला जाएगा प्लांट एट साइट, प्लांट एट साइट। पेपर में प्लांट का कैलकुलेशन बहुत पूछा जाता है। देखो भाई प्लांट एट साइट का जब आप डॉक्टर के एल गुप्ता वाली किताब पढ़ते हैं, जब आप बी के मेहता वाली किताब पढ़ते हैं, तो प्लांट एट साइट और मटेरियल निकालने का पहला और दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन दिया रहता है। एम है नहीं दिया है तो एम है प्लांट एट साइट कैसे निकलेगा बच्चा? लागत 20,000 की, 20,000 में 5,000 का प्लांट का हो गया, चोर चुरा ले गया या आग से नष्ट हो गई या बेच दिया, 15 में 20 में 5,000 वाला 5200 बेच दिया गया, तो कितने बचा? कितने बचा? 20 का था, 5 का बेच दिया, 52। लोग सोचेंगे 5200 माइनस करेंगे, 5000 लागत है, लागत माइनस की जाती है बच्चों, तो कितना बचेगा भैया? 15 बचेगा, 15 में 10% पर एनम डिप्रिसिएशन माइनस कर दो, 1500, 13000। अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहां लिख दो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के लिए कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने की है बच्चा? ठीक है, जोड़ लो 79,600। टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब माइनस कर दो फटाफट, 36,170 आ गया, इसको लिख लीजिए। ठीक है चलते हैं आगे, आप पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, आपको मैं बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10 कहता है उर्वशी इंटरप्राइजेस अंडरटूक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिल्डिंग, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 5,00,000 रुपीज एंड द कॉन्ट्रैक्ट कमेंस्ड 1 अप्रैल 2008, द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इनकर ड्यूरिंग द ईयर, कुछ नहीं है, 5,00,000 रुपए में ठेका लिया गया है बिल्डिंग बनाने का, ये कह रहे हैं मटेरियल खरीदा है उन्होंने, परचेज किया है 80,000 रुपए का, मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर 1,10,000 रुपए का, ठीक है, मटेरियल रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट 25,000 रुपए का, वेजेज पेड 90,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 25,000, प्लांट एंड मशीन 1,00,000, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 5,000, ये सब खर्चा है, मटेरियल रिटर्न टू अदर कॉन्ट्रैक्ट 7,000, मटेरियल लॉस्ट बाय फायर 3,500, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन स्टोलन, चोरी हो गया है प्लांट और मशीन 10,000 रुपए का, मटेरियल एट साइट, प्लांट एट साइट दिया गया है आपके सामने, आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया गया है, अदर अकर्ड चार्ज दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट हो गया है, 31 अप्रैल को शुरू हुआ, 31 मार्च को खत्म हो गया, आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, हम आपको बना करके सब कुछ खटाखट बता देते हैं, फटाफट बता देते हैं, ठीक है।
ठीक है। आप लिखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, यहां पर लिखिए ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऊपर दिख नहीं रहा है, दिखाते हैं पहले कॉलम। जब आप बना लेंगे तो देखना है, सबसे पहले लिखना है मेटेरियल परचेज कितने रुपए का, 2 मेटेरियल परचेज 80,000। उसके बाद मेटेरियल इन्होंने स्टोर से लाया हुआ है, ऐसे लिख देते हैं मटेरियल स्टोर से इन्होंने लाया हुआ है 1,10,000 रुपए का। अदर कॉन्ट्रैक्ट से लाया हुआ है मटेरियल, अदर कॉन्ट्रैक्ट से लाया हुआ है, यानी कि भैया जहां जहां से मटेरियल आवे तो कहां लिख देते हैं डेबिट में। उसके बाद वेजेज इन्होंने पेड किया भैया 90,000 का, संतोष वेजेज 90,000 का। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 25,000 रुपए का, प्लांट प्लांट एट साइट निकालना पड़ेगा बच्चा, 1,00,000 रुपए का प्लांट लगाया इन्होंने। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, देखो स्टोर से आएगा तो डेबिट में, स्टोर को वापस चला जाएगा तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। बाई मटेरियल रिटर्न टू स्टोर कितने रुपए का, 7,000 रुपए का, 5,000 का, 5,000 का। बाई मटेरियल रिटर्न टू अदर कॉन्ट्रैक्ट 7,000 रुपए का। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है प्लांट एंड मशीन स्टोलन हो गया, चोरी हो गया, वाह भैया इसके लिए हेडिंग लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टोलेन, स्टोलेन चोर चुरा ले गए कितने रुपए का, 10,000 का। उसके बाद मटेरियल लॉस्ट बाई फायर है 3,500 रुपए का, इसको भी दिखाना है। प्लांट एंड मशीनरी चोरी हो गया, लॉस्ट बाई फायर इसी में दिखाया जाएगा। पीएल हेडिंग डालना पड़ेगा भैया, देखो पीएल हेडिंग डालना पड़ेगा 3,500 रुपया। उसके बाद मटेरियल ऑन साइट 4,000 रुपए का लिख दो, बाई मटेरियल एट साइट 4,000 रुपए का। उसके बाद प्लांट एट साइट इक्यासी हजार रुपए का। आउटस्टैंडिंग वेजेज बोल रहा है छोटू, कहां रहेगा वेजेज? आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया है, उधार है, मजदूरी देना है बेचारों को 5,000 रुपया। अदर चार्ज भी 2,500 रुपए का है, एकर्ड चार्ज, काम करवा लिया नहीं दिया गया, एकर्ड चार्ज के रुपये का 2,500 रुपए का। अब कहा बचा, कहा बचाओ, प्लांट एंड साइट बचेगा और क्या, प्लांट एंड साइट दिया है सब निकाल के, कुछ नहीं करना है, जीरो लेवल का क्वेश्चन है, सब निकाल के दिया है भैया, जोड़ लो ठीक है। आपको ध्यान दे रहा है यहां लिखना है भाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी लिखोगे ना, कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,00,000 रुपया, 5,00,000 का ठेका है
ना, जोड़ लो 5000, 7000, 4000, 4000, 10000, इसको जोड़िए आप लोग। जब एको जोड़ेंगे तो आएगा 6,10,500, 6,10,500, ये सब माइनस कर लो आएगा कितना, हमारे में 1,73,000 उत्तर दे रहा है। टू प्रॉफिट लॉस, फायदा हुआ 1,73,000 पूरा आ रहा है, 1,73,000 आंसर आ रहा है। और आंसर हमारा गलत नहीं होता है, आंसर हमारा सब सही होता है। और आपको क्या बनाना है बच्चा, एक अकाउंट कह रहा है बना दो, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान देना है। जैसे कॉन्ट्रैक्टी कहां दिख रहा है, इतने में ए है ना, क्रेडिट में है तो डेबिट में आएगा, कहां से लेकर आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से लेकर आ रहे हैं। कितना बच्चा, 5 का, समझ में आया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं होगा, पैसा मिल जाएगा भाई, कैसे कहूँ, पांच लाख। जैसे जो अकाउंट बनाया जा रहा है उसको ढूंढना पड़ता है, यहां पर कहां, यहां है ना, तो यहां लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा, कॉन्ट्रैक्टी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से ला रहे हैं, 5 लाख का ठेका है, ठीक है, इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन हो गया आपका। नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक उपलब्ध करा रहे हैं, जैसे व्यक्तिगत विक्रय, व्यापार मेले एवं प्रदर्शनियां। जैसे इंटरनेशनल मार्केटिंग होता है, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में व्यक्तिगत विक्रय जिसे हम बोलते हैं, व्यापार मेला लगता है, प्रदर्शनी लगती है, इसके बारे में पेपर में क्वेश्चन यहाँ से लॉन्ग टाइप में, शॉर्ट टाइप में, सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखना है चैप्टर का नाम, व्यक्तिक विक्रय। अपनी कॉपी में लिखना है आपको वैयक्तिक विक्रय। उसके बाद इसमें आपको लिखना है व्यापार मेले एवं प्रदर्शनियां। ध्यान दीजिएगा, व्यापार मेले एवं प्रदर्शनी, पेपर में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। तो जब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन जैसे शॉर्ट टाइप में पूछा जाएगा, तो वैयक्तिक विक्रय किसे कहते हैं, शॉर्ट टाइम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा, वैयक्तिक विक्रय, ठीक है। एक एक टॉपिक को एकदम आसानी से बताते हैं, जैसे बताने का तरीका होता है, ठीक है। अपनी कॉपी में लिखिए वैयक्तिक विक्रय, अपनी कॉपी में लिख लीजिए इसे हेडिंग। अब वैयक्तिक विक्रय क्या होता है, हमारे पास बुक है, इसमें कहा गया है वैयक्तिक विक्रय का अर्थ माल को बेचने के लिए संभावित ग्राहक व विक्रय प्रतिनिधि को आमने सामने, मतलब कि व्यक्तिगत विक्रय से कहते हैं। जैसे हमें कोई माल बेचना है, अगले को माल खरीदना है, आमने सामने जब बात होती है तो उसे व्यक्तिक
विक्रय कहा जाता है। ठीक है, लिखना है आपको व्यक्तिक विक्रय का आशय का अर्थ। ठीक है, व्यक्तिक विक्रय का अर्थ माल को बेचने के लिए माल को बेचने के लिए जो माल बेचा जाता है संभावित ग्राहक व विक्रय प्रतिनिधि के बीच। संभावित जो ग्राहक होता है, जो भाई संभावित ग्राहक व विक्रय प्रतिनिधि से आमने सामने वार्तालाप, ध्यान दीजिएगा वार्तालाप बोला जाता है, लाभ नहीं बोला जाता है। वार्तालाप मतलब होता है बातचीत करना। आपको उम्मीद करते हैं थोड़ा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। वैयक्तिक विक्रय का अर्थ होता है माल को बेचने के लिए संभावित ग्राहक। संभावित का ग्राहक मतलब जो ग्राहक खरीदने के लिए आया है, जो आपका सामान खरीद सकता है उसे बोला जाता है संभावित ग्राहक। विक्रय प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? एजेंट। ठीक है, आपको ध्यान देना है जो वैयक्तिक विक्रय होती है, जो आपका संभावित ग्राहक है, ठीक है, ठीक है, आपको ध्यान देना है इस बात को, आपको ध्यान देना है क्या कहा गया है इसमें। संभावित ग्राहक को इसमें क्या किया जाता है? संभावित ग्राहक को विश्वास दिलाया जाता है। जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो जो विक्रेता होता है, जैसे आप खरीदने जाते हैं बातचीत कर रहे हैं तो आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करता है, या आप कोई सामान बेच रहे हैं तो आपको विश्वास दिलाने की कोशिश होती है। संभावित ग्राहक को विश्वास दिलाया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, और अब आपको ध्यान देना है इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। किसकी विशेषताएं? यही जो है आपका व्यक्तिक विक्रय की विशेषताएं। जैसे मान लीजिए विशेषताएं, विशेषताओं में आपको ध्यान देना है सबसे पहले इसमें बेचने वाला विक्रेता व संभावित ग्राहक को विश्वास, प्रत्यक्ष सीधा संपर्क का सीधा प्रत्यक्ष संपर्क। किसकी विशेषता हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वैयक्तिक विक्रय का, मतलब जो आमने सामने वार्तालाप करके बातचीत करके विक्रय का काम किया जाता है। इसमें संभावित ग्राहक जो होता है उसका सीधा संपर्क, सीधा संबंध, सीधा संपर्क होता है, सीधा आमने सामने बातचीत की जाती है विक्रेता व संभावित ग्राहक की। दूसरा है, दूसरा आपको लिखना है बिक्री करने का, ठीक है, एक ढंग है। व्यक्तिगत विक्रय क्या है? बिक्री करने का एक ढंग है,
एक तरीका है, व्यक्तिगत विक्रय क्या है, बिक्री करने का एक ढंग है, एक तरीका है। उसके बाद तीसरा नंबर मौखिक प्रस्तुतिकरण। व्यक्तिगत विक्रय में क्या होता है, मुख से बातचीत कर लो, आमने सामने बात कर लो, मुख से प्रस्तुत कर लो अपनी बातों को, अपनी धारणाओं को। अगर कोई क्रेता, कोई संभावित ग्राहक कोई प्रश्न पूछता है, विक्रेता उसे बताएगा, ठीक है। चौथा नंबर सामाजिक, व्यक्तिगत व सामाजिक क्रिया है, व्यक्तिगत व सामाजिक क्रिया है। आपको ध्यान देना है, ये विशेषता है। व्यक्तिगत विक्रय का मतलब मैंने अच्छे ढंग से आपको लिख करके बताया, जैसे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। व्यक्तिगत विक्रय का मतलब आमने सामने संभावित जो ग्राहक हो, संभावित ग्राहक इसलिए बोला जा रहा है बार बार क्योंकि अभी तो ग्राहक बना नहीं है, ग्राहक जब बन जाएगा तब होता है पूरा ग्राहक, अभी संभावित ग्राहक होता है, ठीक है। चाहे विक्रेता होता है विक्रय प्रतिनिधि से या विक्रय से आमने सामने बातचीत की जाती है। तो विशेषता में क्या होता है, संभावित ग्राहक को विश्वास दिलाया जाता है, विशेषता में आगे विश्वास दिलाया जाता है। जैसे हमारे पास कोई व्यक्ति फ़ोन किया, सर हमको पढ़ना है, तो हम उसको कैसे विश्वास दिलाएंगे ना, बातचीत करके विश्वास दिलाएंगे। या आप कहीं सामान लेने जाते हैं तो आपको विश्वास दिलाता है, नहीं भैया इतना दिन चलेगा, अच्छा है सामान, अपने बारे में विश्वास जब दिला दिया जाता है तभी लोग लेते हैं सामान। अगला है पहला, विक्रेता व संभावित ग्राहक का इसमें सीधा संपर्क होगा, जब आमने सामने बातचीत होगी तो सीधा संबंध होगा, सीधा संपर्क होगा। उसके बाद बिक्री करने का एक ढंग होता है व्यक्तिगत विक्रय, मौखिक प्रस्तुत किया जाता है, व्यक्तिगत व सामाजिक क्रिया है। इसको आप अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लेंगे, इसके बाद हम अपना कार्य जारी करेंगे आगे की ओर। इसके बाद हमारे पास जो मिलेगा आपको बताने जा रहे हैं, व्यक्तिगत विक्रय का महत्व व लाभ, ठीक है। व्यक्तिगत विक्रय का लाभ व महत्व आपको लिखना है। वैयक्तिक विक्रय तिक विक्रय के लाभ व महत्व, व्यक्तिगत विक्रय के लाभ व महत्व, ध्यान दीजिएगा। ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना। व्यक्तिगत विक्रय में क्या होता है, ग्राहकों को, कस्टमर को अधिकतम संतुष्टि प्रदान किया जाता है। अब आप समझिएगा, आप हमारी बातों को कैसे समझेंगे, आप हमारी बातों को ऐसे समझेंगे कि जैसे हम विक्रेता हैं, कोई विक्रेता है, वो मार्केटिंग के माध्यम से क्या करना चाहता है, अधिकतम बिक्री करके अधिकतम लाभ कमाना चाहता है। अधिकतम बिक्री कब होगी, अधिकतम लाभ कोई व्यापारी कब कमाएगा, जब उसका ग्राहक संतुष्ट होगा। ग्राहक संतुष्ट होगा तो ग्राहक प्रतिक्रिया देगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है, ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना, व्यक्तिगत विक्रय का मतलब होता है आमने सामने की वार्तालाप हो, आमने सामने बातचीत हो। अधिकतर लोग आजकल देखिए, विश्वास के ऊपर तो लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहां ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते हैं,
और कभी कभी करते भी हैं तो फंस भी जाते हैं। फंसने का मतलब है कि जैसे कपड़ा वपड़ा ख़रीदें तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत भी होती है, मोबाइल वोबाइल में दिक्कत नहीं है। लेकिन मोबाइल में ग्राहकों की संतुष्टि, विपणन का मतलब क्या है? ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना। जब ग्राहक अधिकतम संतुष्ट होगा तो वह प्रतिक्रिया देगा, प्रतिक्रिया फीडबैक देगा। जब वो फीडबैक देगा तो लोगों को भी बताएगा, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे होता है कि व्यक्तिगत विक्रय का लाभ हुआ महत्व होता है, जिससे व्यवसाय आगे की ओर उन्नति करता है। ध्यान दीजिएगा, केवल संभावित ग्राहकों से ही संपर्क, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत विक्रय में जो ग्राहक सामान खरीदने वाले होते हैं, जो ग्राहक संभावित होते हैं, संभावित का मतलब जिनको जरूरत है, उन्हीं से संपर्क स्थापित होता है व्यक्तिगत विक्रय में, फालतू लोगों से नहीं होता है। अगला होता है उत्पाद प्रदर्शन। उत्पाद प्रदर्शन का मतलब प्रोडक्ट के बारे में, उत्पाद के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। उत्पाद के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में आप क्या दे सकते हैं? आप जानकारी दे सकते हैं। आपका मतलब विक्रेता बता सकता है, आमने सामने दिखा सकता है, चला करके दिखा सकता है ना, अपनी बात विक्रेता और क्रेता दोनों रख सकते हैं। ग्राहकों की प्रतिक्रिया को जानना, तुरंत ग्राहकों की प्रतिक्रिया, जब व्यक्ति विक्रय होगा तो यहाँ पर ग्राहकों की प्रतिक्रिया तुरंत निखर के आएगी, तुरंत ग्राहक आपको बताएगा, आपको अंदाज़ा लग सकता है कि बाज़ार में उसके उत्पाद की स्थिति क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है इसके कुछ लाभ हैं। जहाँ लाभ है वहाँ दोष होना स्वाभाविक है, जहाँ एडवांटेज है, ठीक है, इसमें आपको लिखना है अधिक व्यय, ठीक है, ध्यान देना है अधिक व्यय। व्यक्तिगत विक्रय में अधिक व्यय, अधिक व्यय का मतलब इसमें विपणनकर्ता को वेतन, यात्रा, कमीशन, काफ़ी धन खर्चा करना पड़ता है। अगला कुशल विक्रयकर्ता, कुशल विक्रयकर्ता मिलने कठिन। ये जरूरी नहीं है कि कुशल विक्रयकर्ता मिले, अच्छा विक्रयकर्ता मिले, एक कठिनाई महसूस होती है। इस कठिनाई की समस्या का समाधान सब लोग नहीं कर सकते। तीसरा नंबर पर सही समय पर या उचित समय पर पहुंचना कठिन काम होता है। सही समय पर, उचित समय पर जो होता है पहुंचना, क्या होता है? कठिन काम होता है। इसको आप अपनी कॉपी में सर्वप्रथम लिखने का काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं व्यक्तिगत विक्रय व विज्ञापन में अंतर क्या होता है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है व्यक्तिगत विक्रय एवं विज्ञापन में अंतर। व्यक्ति विक्रय व विज्ञापन में अंतर।
आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए, कोई भी अंतर लिखना हो तो हेडिंग आपकी होगी, अंतर का आधार यहां होगा, व्यक्तिक विक्रय यहां पर होगा, विज्ञापन, इन सारी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर आप लिखेंगे लक्ष्य। लक्ष्य क्या होता है? एक विशेष ग्राहक। व्यक्तिगत विक्रय व विज्ञापन में अंतर होता है, अंतर के आधार में पहला नंबर क्या है? लक्ष्य। अगर व्यक्तिगत विक्रय किया जाता है व्यक्तिगत तौर पर एक जगह रह करके, तो एक विशेष ग्राहक होता है, और अगर विज्ञापन कराया जाता है अनेक संभावित ग्राहक। आप समझिएगा, आपको पेपर में क्या लिखना है, ऐसे इतना ही नहीं लिखना। आप जब पेपर देने जाएंगे तो कोई भी पूछा रहे, अंतर के आधार में लक्ष्य लिखेंगे। यहाँ पर लिखना है व्यक्तिगत विक्रय के नीचे आपको एक विशेष ग्राहक लक्ष्य होता है, एक विशेष ग्राहक लक्ष्य होता है। और विज्ञापन में भाई, विज्ञापन तो पब्लिक प्लेस पर कराया जाता है, अनेक ग्राहकों का लक्ष्य होता है, ठीक है। दूसरा नंबर रहता है संपर्क। इसमें संभावित ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क होता है, ऐसे आपको लिखना है। व्यक्तिगत विक्रय में संभावित ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क होता है, इसमें अप्रत्यक्ष होता है। जो आपके सामने सामान खरीदने आएगा आपकी दुकान पे, उससे प्रत्यक्ष होगा। जिसका विज्ञापन कराए हैं बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उससे क्या होता है? अप्रत्यक्ष संबंध होता है। ध्यान दीजिए कार्यशैली, ध्यान दीजिएगा कार्यशैली। यहाँ लिखिए कार्यशैली का मतलब क्या होता है। अगर आपके दुकान पे या आपके सामने बात करने आया है, कोई सामान खरीदने की बात करने आया है, तो व्यक्तिगत विक्रय में क्या होता है? घनिष्ठता होती है, ठीक है। क्या होती है? घनिष्ठता होती है। और इसमें जो संपर्क होता है विस्तृत होता है। घनिष्ठता क्यों होती है? आपके दुकान पर कोई कौन सामान खरीदने आएगा जो आपको जानता रहेगा, मार्केटिंग आप पढ़ रहे हैं, जो आपको जानता रहेगा, घनिष्ठता होगी तभी आपके यहाँ सामान खरीदने आएगा। विस्तृत क्या है? विस्तृत का मतलब बहुत सारे ग्राहक हैं, जिनसे आपकी घनिष्ठता नहीं है वो भी आपके ग्राहक बन सकते हैं। चौथा नंबर कहा गया है संप्रेषण। संप्रेषण जो होता है, कम्युनिकेशन जो होता है दो तरफा का मतलब होता है, जैसे दुकान पे आप सामान खरीदने जाएंगे, आपकी दुकान पे कोई सामान खरीदने आएगा, तो इसमें आमने सामने संपर्क होता है, आमने सामने बातचीत होती है। अगला है एक तरफा। विज्ञापन कैसा होता है? विज्ञापन जब आप कराते हैं तो एक तरफा होता है, एक तरफ से बातचीत होती है। पांचवा नंबर अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता किसे कहा जाता है? व्यक्तिगत बातचीत को परिस्थितियों के अनुसार ढाला जाता है। भाई जो बातचीत होगी परिस्थितियों के अनुसार, जैसे बात करेगा ग्राहक, उसी को उसी की परिस्थिति के अनुसार जवाब दिया जाएगा। इसमें नहीं ढाला जा सकता, क्योंकि विज्ञापन होल्डिंग लगी है कहीं पर, वहाँ पर कौन सी परिस्थिति बनेगी,
वहाँ पर अकेला विज्ञापन है, उससे लोग जानते हैं, दोनों का फ़ायदा है, ऐसा नहीं करें कि फ़ायदा नहीं है, विज्ञापन का बहुत बड़ा योगदान है और बिना विज्ञापन के कुछ संभव नहीं है। अनुकूलनशीलता मतलब जो आपके सामने ग्राहक आएगा, आपकी दुकान पर आएगा, आपकी कंपनी में आएगा, उसको परिस्थितियों के अनुसार आप बता देंगे, लेकिन जो विज्ञापन अकेले देख रहा है उसको थोड़ी बता पाएंगे आप। छठा नंबर कहता है प्रभावपूर्णता, प्रभावपूर्णता ध्यान देना है, बहुत प्रभावी, ठीक है, आमने सामने बहुत प्रभावी होता है और विज्ञापन के माध्यम से कम प्रभाव पड़ता है। सातवां नंबर लागत, खर्चीली व्यवस्था है, आमने सामने सबसे बात करोगे संभावित ग्राहक से तो ज़्यादा खर्चीली व्यवस्था है, एक जहाँ जहाँ ग्राहक होंगे वहाँ वहाँ जाओगे तब कम लागत होती है, कम लागत होती है, ठीक है। प्रतिक्रिया का ज्ञान, जो यहाँ पर प्रतिक्रिया का ज्ञान तुरंत हो जाता है, इसमें विलंब से होता है, ऐसे आपको बना के लिखना है, मेन मेन जो एक एक शब्द हैं उसी को मैंने लिखा, इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं इसके बाद, ठीक है। इसमें कहा गया है व्यक्तिगत विक्रय कला के भेद प्रकार क्या हैं, इसको बता देते हैं, व्यक्तिगत विक्रय कला के भेद व प्रकार आपको अपनी कॉपी में लिखना है, व्यक्तिगत विक्रय कला के भेद, विक्रय कला के भेद व प्रकार, ठीक है। तो आपको लिखना है व्यक्तिगत विक्रय कला के भेद व प्रकार, पहला लिखना है औद्योगिक विक्रय कला, क्या करना है, औद्योगिक विक्रय कला लिखना है। दूसरा लिखना है व्यापारिक विक्रय प्रतिनिधि, व्यापारिक विक्रय प्रतिनिधि ध्यान देना है। उसके बाद आपको लिखना है तीसरा नंबर फुटकर विक्रय प्रतिनिधि, विक्रय प्रतिनिधि। अगला लिखना है स्वतंत्र विक्रयकर्ता, यही चार हैं। आप क्या लिखेंगे, औद्योगिक विक्रय कला में कहा गया है या उद्योगों के लिए वस्तुएं या सेवाओं को बेचने के लिए संबंध रखा जाता है, औद्योगिक विक्रय कला में उद्योगों के लिए यहां पर मशीन बेचा जाता है, उपकरण बेचे जाते हैं। व्यापारिक विक्रय कला में क्या किया जाता है, इसमें प्रतिनिधि निर्माता के लिए थोक व फुटकर से माल के आदेश प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद फुटकर विक्रय प्रतिनिधि मतलब इसमें परचून की दुकान जो होती है, छोटे छोटे दुकान जो होती है फुटकर वाले में। स्वतंत्र विक्रय मतलब फेरी पटरी वाले जो होते हैं, रेडी पर जो सामान बेचते हैं, उनकी ग्राहक की बात आती है। इसे अपनी कॉपी में लिखने का काम करिए आप, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने का काम। आप पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग, आपको बताने जा रहे हैं मानकीकृत विज्ञापन एवं स्थानिक विज्ञापन। आपको अपनी कॉपी में लिखना है मानकीकृत विज्ञापन, पेपर में पूछता है मानकीकृत विज्ञापन व स्थानिक
विज्ञापन। क्या होता है? मानकीकृत। कभी कभी आपके पेपर में पूछ लेगा कि स्टैंडर्डाइज्ड विज्ञापन, कभी कभी पूछ लेगा प्रमापित विज्ञापन, तो आप क्या लिखेंगे? इसमें कहा गया है मानकीकृत विज्ञापन में विज्ञापन की विषय वस्तु में कोई बदलाव नहीं किया जाता। मानकीकृत विज्ञापन में, मानकीकृत विज्ञापन में विज्ञापन की विषय वस्तु, ठीक है, विज्ञापन की विषय वस्तु में कोई बदलाव नहीं किया जाता। मानकीकृत विज्ञापन में विज्ञापन की विषय वस्तु में, मतलब कि जैसे कोई विषय है, कोई वस्तु है, उसमें कोई विज्ञापन, कोई बदलाव नहीं किया जाता। यह सभी देशों के लिए एक समान रखी जाती है, ठीक है, यह सभी देशों के लिए एक समान रखी जाती है। इंटरनेशनल मार्केटिंग में आप पढ़ेंगे, जब इंटरनेशनल लेवल पर मार्केटिंग का काम होता है तब क्या होता है, विषय वही रहेगा, वस्तु भी वही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता, सभी देशों में एक समान रखी जाती है, लेकिन भाषा में अनुवाद कर दिया जाता है, लेकिन स्थानीय भाषा जो होती है, भाषा में बदलाव कर दिया जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कर दिया जाता है? बदलाव कर दिया जाता है। आप देखते होंगे, थोड़ी देर के लिए सुनिएगा हमारी बात को, ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा, कोई पिक्चर आती है, वो पिक्चर इंटरनेशनल लेवल पर होती है अगर, तो उसमें क्या, उसमें सीन उन सब वही रहेगी, उसमें भाषा का बदलाव कर दिया जाता है। कोई मोबाइल का प्रचार आप देखेंगे, यहाँ दूसरी भाषा है, आप कहीं मराठी में जाएंगे दूसरी भाषा है, भोजपुरी में जाएंगे दूसरी भाषा है, इंग्लैंड में जाएंगे दूसरी भाषा, सबका अलग अलग लैंग्वेज बदल दिया जाता है बस, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, मानकीकृत विज्ञापन में सब कुछ वही रहेगा, विषय वही रहेगा, वस्तु वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन स्थानीय भाषा में क्या कर दिया जाता है? बदलाव कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख भी लेंगे। आगे एक टॉपिक और है, कहा गया है और किसी स्थानीय मॉडल की तस्वीर प्रदर्शित कर दी जाती है, मतलब स्थानीय मॉडल की, और किसी स्थानीय मॉडल की तस्वीर प्रदर्शित कर दी जाती है ताकि देसी दिखे। स्थानीय मॉडल की तस्वीर प्रदर्शित कर दी जाती है ताकि क्या हो, देसी दिखे, अच्छी दिखे, लोग आकर्षित हो। अब आपको लिखना है मानकीकृत विज्ञापन के लाभ, मानकीकृत विज्ञापन के लाभ क्या हैं, लागत में बचत, लागत में बचत। भाई एक ही मॉडल है, एक ही बार शूट करना होगा, एक ही बार तैयार करना होगा, तो लागत में कमी आएगी, अनुवाद कर दिया जाएगा बस, ठीक है।
लागत में कमी, जैसे मान लीजिए कोई फिल्म बनी उसका ट्रेलर लॉन्च करना है, ट्रेलर लॉन्च करना है तो केवल अनुवाद के रूप में, जैसे मान लीजिए इंडिया में तो सब लोग समझ लेंगे, अगर इसी का ऑस्ट्रेलिया में, इसी का अमेरिका में, इसी का दूसरे देशों में, कनाडा में लॉन्च करना हो तो क्या होगा? वहाँ पर सब कुछ वही रहेगा, तस्वीर वही रहेगी, लेकिन इसमें भाषा में बदलाव कर दिया जाएगा। ठीक है, चाहे पिक्चर की बात करिए, चाहे जिसकी बात करिए, चाहे जो प्रोडक्ट हो उसमें क्या है, कोई पिक्चर अकेले थोड़ी है। मोबाइल वोबाइल जो आती है, जो विज्ञापन हमारे सामने टीवी पे चलते हैं, अगले हैं बड़े पैमाने पर लाभ होता है। बड़े पैमाने पर लाभ होता है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन अगर आप करवाते हैं, प्रमापीकृत विज्ञापन करवाते हैं, एक बार आपने बनवा लिया, बड़ा से बड़ा पैमाना निकल के आ जाता है, बड़े पैमाने पर लाभ होगा। ठीक है, निपुणता का पूर्ण उपयोग, ध्यान दीजिएगा, निपुणता मतलब अनुभव, निपुणता का पूर्ण उपयोग, जो निपुणता है उसका पूर्ण उपयोग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, निपुणता, पूरी निपुणता, पूरी अपने अनुभव को झोंक दिया जाता है प्रमापीकृत विज्ञापन में। उसके बाद विज्ञापन दाता एक समान संदेश देता है। चौथा नंबर, जो विज्ञापन देने वाला होता है, विज्ञापन दाता एक समान संदेश। भाई देखो, विज्ञापन की भाषा में भले कमी रहेगी, विज्ञापन में भले कुछ कमी रहेगी, ठीक है, अगला आपको ध्यान देना है, कंपनी के सर्वोपरि उद्देश्य के पालन में सहायक। कंपनी के सर्वोपरि उद्देश्य के पालन में सहायक, कंपनी का जो सर्वोपरि उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में बहुत सहायता मिलती है, इसको आपको ध्यान देना है। आपको आगे मैं बताने जा रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन कार्यक्रम को विकसित कैसे किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन के कार्यक्रम को कैसे विकसित किया जाएगा, पहले इसके लिख लीजिए, आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन कार्यक्रम को कैसे विकसित किया जाए, कैसे विकसित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन कार्यक्रम। सबसे पहले हेड ऑफिस द्वारा, मुख्यालय द्वारा, पहला नंबर लिखिए, मुख्यालय द्वारा दिशा निर्देश दिया जाना। जब इंटरनेशनल लेवल पर मार्केटिंग होती है तो जो हेड ऑफिस होता है उसके द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं जिसका पालन करना होता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन कार्यक्रम विकसित होता है। उसके बाद दूसरा,
विज्ञापन का लक्ष्य परिभाषित करना। जो विज्ञापन का लक्ष्य है, विज्ञापन का एक अपना गोल है, उसको भी परिभाषित करना जरूरी है। बिना विज्ञापन के लक्ष्य को परिभाषित किए सफलता नहीं मिल पाएगी, विज्ञापन का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो विज्ञापन का अपना अंदाज होता है, विज्ञापन का अपना लक्ष्य होता है, विज्ञापन की अपनी भूमिका होती है। जैसे हमारा लक्ष्य है, आपका लक्ष्य है, वैसे विज्ञापन का भी लक्ष्य है ग्राहकों को आकर्षित करना, ग्राहकों को सूचनाएँ प्रदान करना। विज्ञापन का मतलब होता है अपनी छवि को सुधारा जाता है विज्ञापन के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से अपनी बातों को कंज्यूमर तक, कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। अगला है विज्ञापन अभियान की योजना बनाना। ठीक है, अब विज्ञापन अभियान की योजना बनाना। तो विज्ञापन अभियान की रणनीति बनाई जाती है, विज्ञापन अभियान की योजना बनाई जाती है जिसको धरातल पर लागू किया जाए। ठीक है, अगला है विज्ञापन योजना की समीक्षा। विज्ञापन योजना की समीक्षा, जो विज्ञापन योजना बनाई गई है उसकी समीक्षा की जाती है। पांचवा नंबर कहता है विज्ञापन प्रतिलिपि का परीक्षण व विकास। विज्ञापन की जो प्रतिलिपि है उसका परीक्षण किया जाता है, उसकी कॉपी जो होती है, उसके फोटोग्राफ्स जो होते हैं उस पर टेस्टिंग की जाती है, कहीं पर कहां कहां पर कौन कौन से बिंदु पे कौन कौन सा चित्र बना है, क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या पढ़ा गया है, सारी चीज़ें विज्ञापन के अधीन आती हैं। छठा नंबर आपको लिखना है विज्ञापन का माध्यम क्या होगा। विज्ञापन का माध्यम की योजना बनाना। विज्ञापन टेलीविज़न के माध्यम से होगा कि विज्ञापन मोबाइल के इंटरनेट के माध्यम से होगा कि क्या क्या होगा। ठीक है, सातवां नंबर आपको लिखना है बजट का अनुमोदन। विज्ञापन पर कितना बजट लगेगा, बजट भी अनुमोदित किया जाता है। आठवां नंबर विज्ञापन अभियान को कार्यान्वित किया जाता है, विज्ञापन का जो अभियान है उसको कार्यान्वित किया जाता है। उसके बाद विज्ञापन के प्रभावों को नापना। भाई विज्ञापन जहां कराया गया है वहां पर क्या प्रभाव हुआ, वृद्धि हुई विज्ञापन में, विज्ञापन से सेलिंग में बढ़ोतरी हुई, क्या हुआ। ठीक है, इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य, आरके मौर्य कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से इंटरनेशनल मार्केटिंग के क्लास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए विदेशों में विज्ञापन चैप्टर बताने जा रहे हैं। मुख्य मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे जो आपके पेपर में पूछा जाता है। मैं दावा करता हूँ पेपर में ला लीजिएगा कम से कम 15 से 20 नंबर, हो सकता है ज़्यादा का भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूं विदेशों में विज्ञापन क्या,
मतलब क्या होता है। विदेशों का में विज्ञापन का मतलब होता है, जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट है, आपका कोई प्रोडक्ट है, आप अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केटिंग में लॉन्च किए हुए हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग में लॉन्च करना चाहते हैं मान लीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, भारत के बाहर जहां जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को ले जाना चाहते हैं वहां पर क्या करवाएंगे, एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन करवाएंगे। जैसे हम लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल का विज्ञापन आप देखते होंगे इंटरनेट पर, गूगल पर, यूट्यूब पर, रेडमी, रियलमी, वीपो, ओप्पो, मोबाइल की बात होती है। हम कंपनी है चाइना की, चाइना वालों ने यहाँ पर विज्ञापन करवाया, करवाते हैं। अब आइए बैंकिंग सेक्टर में, विदेशी से संबंधित, गूगल पे कहाँ का है, विदेश का है, पेटीएम इंडिया का है, भारत पे इंडिया का है, तो अमेजॉन पे इंडिया का थोड़ी ना है। आप देखते होंगे यूट्यूब पर जब वीडियो देखते होंगे तो आता है विज्ञापन, एलजी इंडिया का थोड़ी ना है, सैमसंग इंडिया का थोड़ी ना है, तो लोग क्या करवाते हैं, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करने के लिए, अपनी सर्विस को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए एडवर्टीजमेंट का सहारा लेते हैं। विज्ञापन, वह विज्ञापन आप टेलीविज़न पर देखते होंगे, वह विज्ञापन आप YouTube पर देखते होंगे, Google पर देखते होंगे, सर्च इंजनों पर देखते होंगे, तमाम सर्च इंजन है इंटरनेट पर, वहाँ देखते होंगे, होल्डिंग्स में देखते होंगे, सेमिनार लगते होंगे, वहाँ देखते होंगे आप विज्ञापन। तो आपको जैसे मान लीजिए पेपर में पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, विज्ञापन के बारे में आपको सब पता है, लिखना क्या आपको मैं बता देता हूँ ना। विज्ञापन का आशय कोई भी कंपनी हो, कोई भी फर्म हो, कोई भी संस्था हो, अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए, जैसे तेल की बिक्री हो, साबुन की बिक्री हो, मोबाइल की बिक्री हो, बैंकिंग सेवा की बिक्री हो, बीमा कंपनियों की बिक्री हो, विदेशी कंपनियां, चाहे भारत में विदेशी आए चाहे भारत वाले विदेश में ले जाएं, दोनों होता है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, तो लोगों को जाने, लोग हमारे उत्पाद के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे सर्विसेज के बारे में लोग जाने, इसे ही कहा जाता है विज्ञापन। मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो प्रोसेस अपनाया जाता है, उसे विज्ञापन कहते हैं। आप लिख लेंगे, नहीं लिख पाएंगे तो मैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिख सकता हूँ, इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको क्या लिखना है। सबसे पहले हिंदी में लिखते हैं, परिभाषा है, इंग्लिश में भी लिख देंगे, उसके बाद इसके एडवांटेज बता देंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंस बता देंगे, मतलब लाभ एवं महत्व बता देंगे। आपको लिखना है विज्ञापन का आशय, हमारे पास किताब है, हमको याद है सब, लेकिन एक लैंग्वेज, अच्छी लैंग्वेज में हम लिख देते हैं, किताब है तो उसका यूज करें, खरीद के लाए हैं इसको, ठीक है। विज्ञापन का आशय, ठीक है, या आप लिख सकते हैं विज्ञापन हेडिंग, परिभाषा आपको लिखना है, रेड कलर से लिखेंगे, आपको रेड कलर का यूज नहीं करना है। विज्ञापन में ऐसी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं, ऐसे लिखिए, विज्ञापन में ऐसी क्रियाएं शामिल की जाती हैं, विज्ञापन में ऐसी क्रियाएं शामिल की जाती हैं
जो एक वस्तु सेवा या विचार के विषय में जो एक वस्तु वह वस्तु तेल भी हो सकता है या वह वस्तु साबुन भी हो सकता है, वह वस्तु मोबाइल भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी वस्तु हो, कॉपी किताब हो सकता है, जो एक वस्तु सेवा में क्या होता है, सर्विस मतलब टेलीविजन की सेवा हो, जैसे वो होते हैं आप देखते होंगे सीरियल वगैरह आते हैं उसका भी लगता है चार्ज, सेवा हो, हॉट स्टार वगैरह देखते हैं, इंटरनेशनल वो देखते हैं, गेम देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, देखो होता रहता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आईपीएल ओपीएल होता रहता है, तो उसमें जो सर्विस तो ही, उसके अलावा हम आते हैं थोड़ा से ये जो सर्विस है बीमा का ना, बीमा का, बैंक का, इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है ठीक है। उसके बाद वस्तु सेवा या विचार के विषय में, या विचार, विचार का मतलब कि जो लोग परामर्श देते हैं विषय में, विचार विमर्श के विषय में, ठीक है, किसी समूह को कोई किसी समूह को कोई अव्यक्तिगत मौखिक अव्यक्तिगत हो सकता है, मौखिक हो सकता है, दृश्यगत मतलब मुंह से बोल करके लोग, दृश्यगत मतलब दिखा करके, दृश्यगत, दृश्यगत का मतलब क्या होता है, दिखा करके, जैसे टीवी पे देखते होंगे, मौखिक पर टेलीविजन पे सुनते होंगे, उस पे सुनते होंगे, ठीक है, व्यक्तियों के पास पहुंच पहुंच कर, ठीक है, खुले रूप से खुले रूप से प्रायोजित संदेश प्रस्तुत करने से संबंधित है, संदेश प्रस्तुत करने से संबंधित है, समझिएगा हमारी बातों को, कुछ नहीं है, विचार है, सेवा है, व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत कर दो, मौखिक रूप में प्रस्तुत कर दो, खुले रूप से प्रायोजित कर दो, कोई कार्यक्रम लगा दो, संदेश लोगों को दे दो, यही है विज्ञापन, ठीक है। इंग्लिश में कहा है एडवर्टीजमेंट, अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, मैं लिखूंगा नहीं, एडवर्टीजमेंट consist of all activity involve presenting to group or non-group oral, visual, openly sponsored message regarding product, service or idea। फिर समझिएगा, कहता है advertisement consist फॉर ऑल एक्टिविटी इन्वॉल्व, मतलब कि एडवर्टीज़ में वे एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, ग्रुप और नॉन पर्सनल, ओरल, विजुअल, ओपनली स्पॉन्सर्ड मैसेज अगर कोई दिया जाता है किसी प्रोडक्ट का, कोई सर्विस का, वही होता है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब आपको लिखना है विज्ञापन के लाभ, विज्ञापन के लाभ,
एडवांटेज ऑफ एडवर्टीजमेंट, चाहे एडवांटेज कहिए, चाहे विज्ञापन लाभ बता दीजिए, चाहे महत्व बता दीजिए, ठीक है, ठीक ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है, लिखना है संवर्धन एक औजार, विज्ञापन एक औजार है, संवर्धन लिखिए पहले, संवर्धन एक औजार, लिखना है टूल ऑफ प्रमोशन, संवर्धन एक औजार है, ध्यान दीजिएगा, विज्ञापन संवर्धन का एक महत्वपूर्ण औजार है। इसका मतलब होता है संवर्धन एक औजार, इसका मतलब होता है कि अगर अपना प्रमोशन करना है अपने प्रोडक्ट का सर्विस का, तो विज्ञापन का सहारा आपको लेना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट का सहारा आपको लेना पड़ेगा। दूसरा आपको लिखना है, कहा गया है नए उत्पादों के आगमन के विषय में सूचना, नए उत्पादन के आगमन के विषय में सूचना, इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन क्या किया जाता है अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट अराइवल अराइवल ऑफ न्यू प्रोडक्ट, भाई नया प्रोडक्ट आपको मार्केट में देना है उसके संबंध में पहले विज्ञापन, देखो नई नई मोबाइल वोबाइल आती है पहले उसका विज्ञापन चालू होता है, कार आती है, साइकिल आती है ना, कोई भी प्रोडक्ट आता है उसका पहले विज्ञापन होता है। तीसरा नंबर होता है व्यक्तिगत विक्रय में सहायता, विक्रय में सहायता, लिखना है इंफॉर्मेशन, उसके बाद सपोर्ट टू पर्सनल सेलिंग, अपने आप लोग लेते हैं सपोर्ट हो जाता है ना, सेलिंग भाई अपने जैसे विज्ञापन देखेंगे तो दुकानदार के पास हम पहुंचेंगे, उसके यहां विज्ञापन थोड़ी देंगे, उसके यहां सामान लेंगे। उसके बाद चौथा है ब्रांड के प्रति निष्ठा, विज्ञापन देखते हैं लोग, ब्रांड के प्रति निष्ठा आ जाती है मैदान में दिमाग में, ब्रांड पेट्रो पेट्रो नेज, पांचवा नंबर आपको ध्यान देना है व्यापारियों को समर्थन, फुटकर व्यापारियों को आसान हो जाता है ना इससे, भाई जिसका व्यापारियों समर्थन, लिखना है सपोर्ट टू डीलर्स, डीलर्स डीलर्स को क्या हो जाता है सपोर्ट मिल जाता है डीलर को, भाई डीलर को अच्छा वो मिलता है ना, भाई कोई विज्ञापन देखेगा सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है बिचौलियों को आकर्षित करना, जो बिचौलिए होते हैं को आकर्षित, जैसे बिचौलिए होते हैं अगर उनके पास आपका विज्ञापन नहीं है तो आपको भाव नहीं देंगे, ठीक है। जो बिचौलिए होते हैं, जो मध्यस्थ होते हैं, जो दलाल होते हैं, जो एजेंट होते हैं, वो आपको भाव नहीं देंगे, तो अट्रैक्टिंग मिडिल मैन बोला जाएगा, इंग्लिश में लिख लीजिएगा अट्रैक्टिंग मिडिल मैन बोला जाता है, जो बिचौलिए होते हैं, अगर आपका विज्ञापन नहीं है तो आपको भाव नहीं देंगे,
तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं सातवां नंबर, उत्पाद के मूल्यों में स्थिरता। जो प्रोडक्ट का मूल्य होता है वो स्थिर होता है, इंग्लिश में कहा गया है स्टेबिलिटी इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट लिख लीजिएगा, स्थिरता होती है। आठवां नंबर कहता है मूल्य के विषय में जानकारी, नॉलेज ऑफ प्राइस, भाई मूल्य के विषय में सबको पता लग जाता है, मूल्य के विषय में प्राइस की जानकारी सबको मिल जाती है, नॉलेज ऑफ प्राइस सबको मिल जाती है, नॉलेज ऑफ प्राइस मतलब प्राइस का नॉलेज सबको प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आपको ध्यान देना है आगे ग्राहकों की जानकारी में वृद्धि, ग्राहक भी उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानते हैं, ग्राहकों के जानकारी में वृद्धि, कैसे इंक्रीज नॉलेज ऑफ कस्टमर, इंग्लिश में लिखिएगा इंक्रीज नॉलेज ऑफ कस्टमर, ठीक है। समाज को लाभ, बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी, समाज को लाभ, बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन के बारे में, भी जान लीजिए मात्र विज्ञापन के बारे में आपने पढ़ा।